बहुत अच्छा, बहुत अच्छा जिस तरह से ये ऑर्गेनाइज्ड है, जिस तरह से ये सजाया हुआ है. ऐसा नहीं है यहाँ पर, आई थिंक मैंने जितना देखा, मतलब सब लोग आराम से बैठकर, एक सुकून का वाइब है. दैट्स व्हाट इवन तोशु वाज सेइंग, एक सुकून का वाइब है यहाँ पर. और सच में बहुत अच्छा लगा, सच में बहुत अच्छा लगा. मतलब मैं बचपन से खेतवाड़ी जाती हूँ गणपति में, फिर मुंबई सा राजा, लालबाग सा राजा, ये सब मतलब फिक्स्ड हैं सालों से. और इस बार पहली बार अंधेरी सा राजा में आई हूँ, तो यहाँ भी मुझे अच्छा ही लगा. उनकी तरह वैसे ही यहाँ भी शायद हर सालाना होगा. तो हमारे लिए भी मतलब ये पहला एक्सपीरियंस है यहाँ पे, एंड ऑल बिकॉज ऑफ हर, मतलब इनके वजह से हम यहाँ पे आ पाए. यस, एक्चुअली उन्होंने हमें बोला कि आप जाओ, और देन वी डिसाइडेड, हमने डिसाइड किया. तो बस अब पापा का मन था कि हम यहाँ पे आए, और हम यहाँ पे आ गए. बहुत अच्छा लगा आज गणपति जी के हमने दर्शन किए, इतने बड़े गणपति जी. पापा को लेकर मेरे घर पे मम्मी गया, हाँ मम्मी के यहाँ पर. मतलब मेरा ये था कि एक कुछ हो जाए तो मैं गणपति लाऊंगी. तो बचपन से हम गणपति घर पे लेकर आ रहे हैं. इट्स आई थिंक दिस वाज आवर 34th ईयर, एंड बहुत घर खुद ही पूजा होती है. ऐसा नहीं कि हम लोग यहाँ पर कुछ फैंसी ऐसे डेकोरेशन वगैरह, जो मैं देखती हूँ ना आज की इंस्टाग्राम पे फोटो आते हैं, मतलब विद ड्यू रिस्पेक्ट करना चाहिए, अच्छा. और जो ऐसे सब हमें हमारे यहाँ पर, हम मतलब मम्मी की साड़ियाँ लेके हम कर लेते हैं, आधे घंटे में हमारे डेकोरेशन हो जाता है. जी. मम्मी की साड़ियाँ, वैष्णो देवी की चुनिया हम लोग. हाँ. मेरा भाई करता है. yes. मैं तो काफ़ी आलसी हूँ, स्वभाव से आलसी हूँ. तो मतलब मेरा भाई सब कर लेता है. फिर लाइट भी खुद ही लगाते हैं हम. वो लड़ी भी जो आती है वो दादर से खरीदी हुई, तो वो सालों साल धो के फिर रख देते हैं, फिर गणपति के टाइम पे बाहर आ जाती है वो लड़ी. ऐसा नहीं है कि फेंक दो, अरे नया लेकर, ये सब नहीं होता हमारे यहाँ. और फूल के दो बुके होते हैं सामने, और समय वगैरह होती है. simple. तो नॉर्मल सिंपल महाराष्ट्रीयन गणपति. तो ऐसा भी नहीं है कि हमारे घर में ही खाना बनता है, खुद ही बनाते हैं. और जो लोग आते हैं दर्शन करें, जो जानते हैं, हम किसी को बुलाते नहीं हैं, जो जानते हैं वो आते हैं. सो गणपति मेले बहुत स्पेशल है, बिकॉज पहले पापा लेकर आते थे, और मैं और मेरे भाई छोटे छोटे पीछे घूमते थे. उसके बाद फिर पापा की तबीयत थोड़ी ख़राब होने लगी, तो फिर मैं लेकर आती थी. मैं तो काफ़ी बड़ी हो गई थी, वेरी स्ट्रॉन्ग. सो हाँ, और वो शाडू माती के जो गणपति होते हैं वो भारी होते हैं. जो छोटी सी मूर्ति भी काफ़ी वजनदार होती है. एंड उसके बाद फिर मेरा भाई, मैं, और इस बार तो पूजा मेरे रुद्रांश ने की है. मतलब हमारे गांगुली सा राजा की पूजा रुद्रांश ने की है. सो हाउ जेनरेशंस चेंज एंड हाउ यू नो थिंग्स हैव मूव्ड विद गणपति. तो मेरे लिए बहुत स्पेशल है गणपति बप्पा, तो बहुत ही स्पेशल है. फैंस के लिए यही, आप सभी को और आपके सारे जो आपके घर वाले हैं, आपके दोस्त, आपके सभी, आपका पूरा परिवार जो है, उन सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं. गणपति बप्पा आप सबके जीवन में सद्बुद्धि लाए, क्योंकि ये आजकल के ज़माने में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. हम सभी यू नो वी हैव फॉरगॉटन टू बी ह्यूमन. हम बोलते हैं हम लोग ह्यूमन बीइंग्स हैं, लेकिन हम भूल गए हैं कि एक्चुअली ह्यूमन होना क्या होता है. तो प्लीज़ थोड़ा सा मतलब काइंडनेस अपने आसपास के जानवरों के लिए, उन्हें रोटी दे दीजिए, या चाहे अपने आसपास के लोग, कोशिश कीजिए कि आप किसी को हर्ट ना करें. कोशिश कीजिए कि आप अपनी बोली से किसी तरह से, अगर कोई आपको बहुत ज़्यादा अगर तंग करे, परेशान करे, तो प्लीज़ जवाब दीजिए, चुप मत रहिए. लेकिन कोशिश कीजिए कि काइंडनेस, टू फाइंड काइंडनेस विद इन योरसेल्फ, और let's just be, let's make it a kind world. Yes. It is very, very important. Let's all find kindness within ourselves.